really where are we headed in this whole thing and already there are multiple bodies and regulators do we really need another regulator or are these not strong enough what existing regulation is there past 74 years these people are serving india they are working for india नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं चर्चा हो रही है आईआईए आई के बारे में सरकार आईआईए को लेकर के पीछे हटती नजर नहीं आ रही है लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरी और अकाउंटेंट बिल पर चर्चा हो रही थी और वहां पर बीजेपी के सांसद अनुराग शर्मा जो झांसी से आते हैं उन्होंने style. कुछ ऐसी बातें बोली जो गले से नीचे उतारना पॉसिबल नहीं है यूपीए के सरकार के दौरान और इन सब जगह हमेशा ये देखा जाता था की एक बड़ी सिस्टम चलता था आप भी सी मैं भी सी हूँ तो भैया इसको छोड़ देते प्रेशर लाया जाता था फोन बैंकिंग हुई है इस देश में इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लेकर सत्यम कंप्यूटर्स आप किसी चीज का भी जिक्र कर लीजिए ये इसलिए होता रहा क्योंकि ये प्रेशर लिया जाता था आज अगर एक इंडिपेंडेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करी जा रही है फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन और मेरे एक मित्र अभी मुझको ही बता रहे थे कि आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी ऑडिट बॉडी अपने पास है सी उसमें कोई सीए नहीं है पर आज वो ऑडिट करते हैं कि नहीं पूरे हिंदुस्तान का तो अगर इंडिया का ऑडिट सीए जी कर सकती है विदाउट अ चार्टेड अकाउंटेंट ऑन इट्स बोर्ड और वो सबके सब एक एग्जाम दे के पास आउट किए होते हैं तो आज अगर हम उसमें ये ला रहे हैं तो ये अच्छी चीज होगी बिकॉज अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अंदर में तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करनी पड़ेगी हम सभी को इन बॉडीज को इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आज हिंदुस्तान की यूनिकॉर्न इतनी सारी कंपनियां बड़ी बड़ी होकर विदेशों में जाके रजिस्टर करना चाहती हैं, इनकी बैलेंस शीट्स पे जब साइन हो अगर हिंदुस्तान की फर्म का साइन होगा तो हम सबको उस चीज पे गर्व होगा दिस इज बीन मेजर लकूना इन आर फ्रेमवर्क सो आई थिंकिंग इन दिस बिल आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव अफेयर कि आप जो ये करने जा रहे हैं सर ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था बहुत जरूरी स्टेप था हम कहीं पर भी ये नहीं कहना चाह रहे कि हमारे सी ए मित्रों ने इस देश की सेवा नहीं करी हम कहीं पर भी ये नहीं कहना चाह रहे कि साहब जो कंपनी सेक्रेटरीज है वो कम काम करते हैं हम कहीं नहीं कह रहे कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज नॉट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट कहती है ये सब चीजें जरूरी है पर इनकी एक ओवरसाइट भी होनी चाहिए आप खुद ही मैच खेलें और खुद ही अपने ही रेफरी बनाए वो गलत होता है आज अगर हम किसी चीज में अपने स्पोर्ट्स में भी देखें तो रेफरी बाहर के ही आते हैं और बाहर के ही लोगों से आप तभी विश्वास जागता है अगर हिंदुस्तान में मैच हो रहा होता साउथ अफ्रीका रेफरीज आते हैं हमने अपना ही पिच प्रिपेयर किया और अपने ही रेफरीज रख लिए तो फिर कौन मानेगा इस चीज़ को तो इसलिए ये जरूरी होता है और रेफरी भी आप ही बनेंगे तो कैसे पॉसिबल है कैसे इंडिपेंडेंस आ पाएगी तो हम आपको बता दें इन्होंने सीएजी का भी जिक्र किया और कहा सी में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है फिर भी वहां ऑडिट होती है तो सरकार हम आप ही से ये सवाल पूछ रहे हैं सी में जो ऑडिट होती है डिपार्टमेंट भी आप ही के हैं और ऑडिटर भी आप ही के हैं तो एक बात ये बता दीजिए कि वहां पर मैच कौन खेल रहा है और रेफरी कौन बन रहा है एक बार वो ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देकर दीजिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके सीएजी के ऑडिटर की फाइंडिंग क्या है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन सी फाइंडिंग करते हैं आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की बातें कर रहे हैं आपने कहा सत्यम डूब गई आपने कहा महाराष्ट्र बैंक डूब गया लेकिन आपको हम बता दें जो इस समय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है आपके बैंक में इतने एनपीए हम लोग रिपोर्ट करके आते हैं आप उन पर क्या एक्शन लेते हैं ये जवाबदेही आपकी है हमारी नहीं है आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में हमारे तीन मेंबर होने चाहिए वहां पर कोई डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो ये बताइए कि आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके जो पोर्टल्स हैं अगर वो छः छः महीने तक काम नहीं कर रहे हैं तो उनका जिम्मेदार कौन होगा आपने चार्टेड अकाउंटेंट्स को एक लेबर बनाकर छोड़ दिया है इसका जिम्मेदार कौन होगा आप बात कर रहे हैं आईआईए के बारे में मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में आप अपने आई आई ए बैठाएंगे मैच भी आप ही खेलेंगे और रेफरी भी आप ही होंगे उस समय इंडिपेंडेंस कहां चली जाएगी इंडिपेंडेंस की अगर बात करनी है ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करनी है तो इक्वल पोर्टल पर आकर कीजिए खैर इसके अलावा और भी कई सारे सांसदों ने अपनी स्पीच दी है इस पर अपने तथ्य रखे हैं महाराष्ट्र से सुप्रिया सूले जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली हैं, बहुत ही सारे एग्जाम्पल कोट किए हैं इस बिल के अपोजिशन में तो उनकी भी बात आपको सुननी चाहिए और वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं इसके साथ साथ और भी कई सांसद हैं जिन्होंने इस बिल के अपोजिशन में अपनी बातें रखी हैं, फैसला कल तक के लिए टल गया है कल फिर सुबह ग्यारह बजे इस बिल पर सुनवाई होने वाली है आपके पास हम पल पल की खबर लेकर आते रहेंगे आप खुद ही फैसला कीजिए सरकार की मंशा क्या है इस आईआईए को लेकर के सरकार क्या वास्तव में ट्रांसपेरेंसी चाहती है या सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है उम्मीद करते हैं सरकार को हमारी यह बात समझ में आएगी और सभी मेंबर से हमारी अपील है कि आप भी अपनी आवाज रेज करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक मुहिम चलाई हुई है जिसका लिंक लगाया हुआ है जहां से आप पिटिशन साइन कर सकते हैं तो आप उस पिटिशन को भी जरूर साइन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज़ सरकार के पास तक पहुंच सके उम्मीद है आप सभी हमारा साथ देंगे हम आपकी आवाज़ सरकार के पास तक पहुंचाते रहेंगे आप द इंडियन पल्स के साथ बने रहिए